तो भाई लोग, क्या हाल चाल चल रहे हैं आप सभी के। अगर आप सभी को स्पाइडरमैन पसंद है तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ आई है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको स्पाइडरमैन पसंद है। तो देखा जाए तो स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज़ होके ऑलमोस्ट एक साल कम्प्लीट होने को आया है और इस मूवी ने पैंडेमिक के बाद सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अभी तक पैंडेमिक के बाद दो ही ऐसी मूवीज़ है कि जो 1 बिलियन का मार्क अचीव कर पाई है। पहली तो स्पाइडरमैन नो वे होम है और उसके बाद दूसरी मूवी टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक है। और तुम वहाँ पर ही देखो, 2019 एक ही साल के अंदर 9 ऐसी मूवीज़ थी कि जो बिलियन का मार्क अचीव कर पाई थी और उसी के बाद 2020, 21 और 22 तीन सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही मूवीज़ है कि जो बिलियन का मार्क अचीव कर पाई है। और स्पाइडरमैन का सक्सेस देख के डिज्नी और सोनी के बीच स्पाइडरमैन को लेकर और एक डील फाइनल होने वाली है। अभी तक नहीं हुई पर लगभग हो चुकी है, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। और ये न्यूज़ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती और हमें फिर से टॉम हॉलैंड के साथ एंड्रयू गारफील्ड और टॉबी मैग्वायर का रिटर्न देखने को मिलेगा। और वो रिटर्न कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में वो दो कैरेक्टर अपीयर हो सकते हैं स्पाइडरमैन के। बस ये न्यूज़ सच्ची साबित हो जाए, हमें सीक्रेट वॉर में टॉबी और एंड्रयू ये दोनों का कैमियो दूसरे सुपर हीरो के साथ मिलकर फाइट करना देखने में आ ही मज़ा ही आ जाएगा।